मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एल्बो ग्रीस अवन क्लीनिंग किट कैसे यूज़ करते हैं हाउ टू क्लीन द अवन ठीक है तो आपने जो है इसकी डायरेक्शन इसकी टाइमिंग इसकी ड्यूरेशन uh, हर चीज़ जो है आपने मिस नहीं करनी ठीक है मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में कि आप जो है अवन को ग्रिल्स को रैक्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं तो आपने फुली वीडियो देखनी है टिल एंड ठीक है तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इस किट में जो है सबसे पहले हमारे पास क्या होता है वन बैग होता है ठीक है जिसमें आप अपने अवन ग्रिल्स को डाल सकते हैं वन बॉटल होती है जो जिसे हम उसको क्लीन करेंगे और वन ऑफ ग्लव्स होता है ठीक है ये डीप क्लीनिंग है और एल्बो ग्रीस अवन क्लीनिंग किट है डीप क्लीन है बहुत अच्छा है मैं स्पेशली यही यूज करती हूँ यूके का आई थिंक ब्रांड है और जी ये पीछे आप अगर इसको देखें तो इसकी डायरेक्शन फॉर यूज़ हाउ टू क्लीन ठीक है एवरीथिंग इज़ हेयर ना सब कुछ लिखा हुआ है इसका ठीक है डिस्पोज डिस्पोजल ऑफ द बॉटल और डू नॉट डू ठीक है सब चीज़ें लिखी हुई हैं सारी चीज़ें आपने जो है ना अच्छे से इनको रीड आउट कर लेना है ठीक है और ज़रूर इसको ख़रीदिएगा और अपना अवन इसके साथ क्लीन कीजिएगा और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ और मैं अपना अवन कैसे क्लीन करती हूँ तो जी सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ये देखें जी मेरे पास जो अवन ग्रिल्स हैं ये देख देख सकते हैं आप लोग कितनी गंदी हुई हुई थी काफ़ी अरसे से जो है ना एक अरसे से मैंने इनको क्लीन नहीं किया था इसी वजह से कि मैं जो है ना इस पर एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि बहुत से लोग जो है ना उनको पता नहीं होता कि कौन सा जो है ना बेस्ट आ, मतलब क्लीनर है ओवन का तो मैंने सोचा मैं बताऊं आप लोगों की ये देख सकते हैं आप लोग कितनी गंदी है आगे पीछे दोनों साइडों से जो है ना काफ़ी अरसे से मैंने ना इनको यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैंने जो है ना क्लीन किया था इसको पहले भी इससे ठीक है दो तीन दफ़ा मैं ये यूज़ कर सकी हूँ कर सक आ, कर, कर चुकी हूँ और वन ऑफ द बेस्ट जो कहते हैं ना वो ये मेरा फेवरेट रह, हो गया है अब ठीक है मैं पहले भी इससे यूज़ कर चुकी हूँ इसको क्लीन कर चुकी हूँ इसी से ओवन को तो जी ये देखें सारी जो ग्रिल्स हैं हमने निकाल लेनी है ठीक है और इनको आपने जो भी गंद वगैरह लगा होगा आपने उनको रफली जो है ना वॉश कर लेना है ठीक है और जी मैं आपको ये दिखाती हूँ और ये देखें जी हमारे पास ये एक बैग निकल आया और एक बॉटल निकल आई ये बैग है बहुत अच्छा बैग होता है ये भी ठीक है बहुत मतलब कहते हैं ना जो आ, पक्का वाला बैग वो है ठीक <laughs> है आपने जो है ना इसको अच्छे से इसको ओपन करना है और हम इसको जो है इसमें ओपन करके अच्छी तरह से उसको खोलेंगे और ग्लव्स आपने ज़रूर पहन लेने हैं ठीक है और बस आप देखते जाएं जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करूँगी ठीक है ये एल्बो ग्रीस का जो है लिक्विड हम डालेंगे बेसिकली ये एक तेज़ की तरह है तो आपने प्लीज़ अपने ग्लव्स जो है ना लाजमी पहनने हैं विदाउट ग्लव्स आपने इनको काम नहीं करना और जी बारी बारी करके जो है ना पहले आपने नीचे थोड़ा सा लिक्विड डालना है और फिर हर जो है ना आपने ट्रे के ऊपर लिक्विड को बिछा देना है अच्छा इसका एक पता नहीं है एडवांटेज कहेंगे या डिसएडवांटेज कहेंगे ये जहां लगता है ना वहीं से सिर्फ उतारेगा मतलब कि अगर आपने एक साइड पे लगाया ना और दूसरी साइड पे इसके नहीं लगा वो कोई नहीं उतारेगा मतलब जहां जहां लगेगा वहां वहां से आपने इसको जो है ना मतलब इसको क्लीन कर लेना और सारा जो है ये हो जाएगा ठीक है ये देखें जी बस इसको आपने सारी ग्रिल्स को अंदर ऐड कर देना है इसके और अच्छी तरह से इसको चेक कर लेना है कि ये लीक ना कर रहा हो और बैग जो है वो ठीक है कि नहीं पहले आपने ये भी देख लेना और पीछे सारा कुछ लिखा होता है इसके ना तो आपने जो है ना अच्छे से इसको जो है शेक करना है ताकि सारा ये इसके मतलब अंदर बाहर आगे पीछे हर जगह पर जो है ना ये लिक्विड जो है इसके ग्रिल्स पे फुली लग जाए ठीक है जी तो आप इस तरह जो है ना इसका स्क्रब कर दें बस <laughs> ये बेसिकली ट्रेस का फेशियल हो रहा है फेशियल कर रहे हैं तो अच्छे से करें ना जैसे मसाज करते हैं अच्छे से आपने इसको मसाज कर देना है <laughs> और जी ओवर नाइट के लिए हमने इसको रख देना है ठीक है आई थिंक मैंने सही तरह से बंद नहीं किया तो ये देखें थोड़ा सा थोड़ा सा गिर गया था तो आपने अच्छी तरह से इसको बंद करना है और फिर शेक करना है ठीक है तो जी और नीचे जो है ना प्लीज़ मेहरबानी कीजिएगा मैंने गलती की यहाँ पे मैंने अखबारें नहीं बिछाई मैंने नेक्स्ट डे उठ के अखबारें बिछाई जब मुझे याद आया कि भई ओहो ये तो गिर रहा था मैंने सही तरह बंद नहीं किया था आपने अच्छी तरह एक तो बंद कर लेना है सील को ठीक है और अखबारें डाल के जो है ना इसको डालना है ठीक है तो ये देखें जी हमारा नेक्स्ट डे हमने उठना है सो के <laughs> और नेक्स्ट डे जो है ना इसको ओवर नाइट के लिए आपने रख देना है ताकि ओवर नाइट के लिए जो है ना ये अच्छी तरह से सारा लग जाए इसको और क्लीन हो जाए ये देख सकते हैं आप लोग जहाँ जहाँ लग है वहाँ से ये देखें क्लीन हो गया ठीक है और ये बाक़ी साइडों पे नहीं लगा तो ये इसका मतलब है अभी नहीं हुआ ना मैं दोबारा से इसको लगाऊंगी और ओवरनाइट के लिए यहाँ जो है ना दोबारा से लिक्विड लगा के ना इसको मैंने रख दिया था क्योंकि ये ना उतरा नहीं था अच्छा अगर आपको लगे कि ये आपको मतलब स्कॉलर से उतर जाएगा तो आप लोगों ने स्कॉलर की मदद मतलब से उतार लेना है अदरवाइज़ अगर लिक्विड आपके पास बचा है तो आप दोबारा से एक ओवर दोबारा से जो है ना एक रात और रख सकते हैं तो जी ये ग्रिल्स हैं स्टील की जो मतलब साइड्स पे भी लगी हुई थी और जो ट्रेस के ऊपर होती हैं ग्रिल्स उनको भी मैंने जो है ना आफ्टर उसी लिक्विड में ना थोड़ा सा लिक्विड और डाला था ठीक है और जो है ना उसी लिक्विड में जिस पे मैंने ट्रेस निकाली थी उसी में मैंने जो है ना ये ग्रिल्स रख दी हैं सारी की सारी स्टील की और ये भी ट्रेज़ वग़ैरह ग्रिल्स वगैरह सारी रख दी हैं मैंने इसमें और आपने जो है ना इसको ओवरनाइट के लिए या कुछ घंटों के लिए आप इसको रख सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा गंदी नहीं होती तो इसलिए तो चले जी अब बारी आती है अवन को क्लीन करने की ठीक है अवन को क्लीन करेंगे और उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक स्पंज यूज़ हुआ हुआ एक स्कॉर यूज़ हुआ हुआ कपड़ा यूज़ हुआ हुआ और जी एल्बो का जो हमने मतलब थोड़ा सा बचाया था वो और एक किचन क्लीनर स्प्रे तो चले जी ये स्टार्ट करते हैं किचन किचन कह रही हूँ अवन ये देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा हुआ हुआ ठीक है इसको चमका देना मैंने अभी देखिएगा बस आप देखते जाएँ <laughs> <laughs> तो ये देखें जी सारा जो है ना आपने लिक्विड जो है थोड़ा सा इधर ट्रे पर डाल देना है साइडों पर डाल देना है और शीशे पर इसके डोर पर डाल देना है ठीक है फिर हम जो है स्कॉलर की मदद से इसको आ, ऐसे क्लीन करेंगे और इधर भी आपने जो है ना नीचे अखबारें बिछा लेनी है ठीक है ताकि जो है ना ये नीचे ना गिरे और अगर गिरे भी तो सिर्फ मतलब ज़मीन पे नहीं हो इसका स्कॉलर का स्कॉलर की वजह से क्योंकि हम लोग ये रब कर रहे थे ना तो ये जो है ना अखबारों पे ही गिरे ज़मीन पर नहीं गिरे ठीक है तो आपने अखबारें वगैरह बिछा लेनी है ध्यान से बड़े प्यार से तरीक़े से काम करते होते हैं ना <laughs> तो जी ये देखें जहाँ जहाँ हमने लिक्विड फेंका था वहाँ वहाँ हम इसको स्कर्र की मदद मतलब से ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा ठीक है क्योंकि ये तेज़ाब की तरह होता है ये सारा जो है ना मैं क्लीन करूँगी और ये देखें जी मैंने क्लीन कर दिया ये मैंने ट्रे जो है नीचे वाले जो अवन बेसिकली होता है जहाँ पर वो उसकी ट्रे भी निकाल ली थी मैं कह तू ही आ जा बाहर <laughs> तो जी ये देखें मैंने ट्रे निकाल दी और अब हम इसको स्प्रे की मदद मतलब से भी क्लीन करेंगे थोड़ा सा और स्पंज यूज़ करेंगे और देखें जी ये हमारा बाहर का ये अब डोर मैंने बंद कर दिया ठीक है ये है ना लाइनें जो है ना निकल के बाहर नीचे आ रही होती हैं ठीक है ये लाइनें नीचे आ रही है ना तो आपने क्या करना है अखबारें तो जो बिछाई हुई थी हमारे पास हर किसी का ओवन जो है ना डिफरेंट होता है मैं इसको खोलूँगी ठीक है सिल्वर वाले को इसको भी क्लीन करूँगी और इसका शीशा भी डोर का जो है वो भी क्लीन करूँगी बाहर से पहले कर लूँगी और फिर अंदर से आराम से क्लीन कर लूँगी ताकि इसकी जो लाइनें हैं ना शीशे में गई हुई बंद करते हैं ना जब तो ये देखें लाइनें आ जाती हैं ना मतलब लिक्विड का सारा वो जो है ना क्लीनिंग का मतलब लाइन पड़ जाएगी उसमें तो मैंने जो है ना क्या किया इसको वाइप करके फिर मैंने मिरर ओपन किया जिशान से करवाया और जी मैंने फिर इसको शीशे को भी धोया और देखते जाएं बस आप लोग मैं क्या कर रही हूँ <laughs> तो मैं जो है ना ऐसे ओवन क्लीन करती हूँ और ये बहुत बेस्ट है आप लोग भी हम लाजमी यूज़ कीजिएगा अगर जो लोग करते हैं उन्हें तो पता ही होगा और जो नहीं करते प्लीज़ इसको लाजमी यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लिक्विड है चमका देता है आपकी हर चीज़ को ना इसके ओवन को आप ये देख लें जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग यहीं से हिसाब लगा लें ये देखें ये देखें लाइन चली जाती है ना ड्रा हो जाती है एक किस्म की ना तो इसको हम ओवन को ऑन करेंगे और हम इसको क्लीन करेंगे वॉश करेंगे अच्छे से ठीक है अब हमें चाहिए एक स्पंज और एक स्प्रे किचन क्लीनर ठीक है और हम इसकी मदद से सारा जो है इसको क्लीन कर लेंगे जो जो रह गया होगा पहले हमने वो डा, डाला था ठीक है ना लिक्विड फिर अब हम स्प्रे की मदद से इसको क्लीन करेंगे ताकि कुछ भी अगर रह गया हो तो इससे जो है न, ना नाइट नीट जो होता है ना एक चीज़ वो आ जाती है नीटनेस आप लोग मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा प्लीज़ कि जिस तरह आप लोग अपना ओवन क्लीन करते हैं ताकि मुझे भी आइडिया हो मैं तो इस तरह क्लीन करती हूँ डीपली क्लीन करती हूँ क्योंकि मैं करती बहुत अरसे बाद हूँ तो मतलब काफ़ी जब गंदा हो जाता है ना मैं तब क्लीन करती हूँ <laughs> तो ये देखें जी माशाल्लाह से ठीक है ये अब आ, आ, हम शीशा उतारेंगे ये देखें जी इसको निकाल रहे हैं और ये हमारा शीशा निकल आया और जी इसके नीचे भी शीशा होता है ना बाहर वाला हिस्सा तो ये दोनों जो है ना अंदर बाहर से अच्छी तरह से आपने इसको क्लीन कर लेना है ये इसके ऊपर अभी तक स्टिल देखे मैंने साफ़ किया था लगा हुआ था ठीक है अब ये जो है हमने वाइप करके इसका रबड़ भी अच्छी तरह से शीशे को भी वाइप कर लेना है आपने अंदर बाहर से दोनों साइडों से कोई ना रहे निशान क्योंकि जब आप इसको बंद करेंगे ना अगेन डोर इसका तो वो फिर से पानी जो है ना लाइन बन के ड्रा हो जाएगी उसकी लाइन तो आपने अच्छी तरह से इसको वाइप कर लेना है क्योंकि हमने शीशे को अब बंद करना है ठीक है तो ये देखें अच्छी तरह से वाइप कर लेंगे आप और ये जो है नीचे वाला इसका पेड़ मैंने खोल लिया था और ये देखें जी हो गया है रेडी ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह से अवन चार चांद लग गए अब ये दूल्हा बनने के लिए तैयार है <laughs> तो ये देखें जी शीशा भी लग गया ट्रे भी लग गई नीचे वाली अवन वाली और बाहर से भी रेडी हो गया और मैं ये बैठी हूँ हेलो <laughs> तो ये देखें जी अवन हो गया हमारा माशाल्लाह से माशाल्लाह से हसीन तरीन उन्होंने फुल छुल चाड़ो जो मर्जी चाढ़ो ठीक <laughs> हो गया इसको जो है ना ये सिल्वर के इनको मैंने जो है ना बाद में आराम से साफ़ किया था और दूसरा जो है ना नवन हम लोग इतना यूज़ नहीं करते तो ज़्यादा अवन वही यूज़ होता है इसको मैं रफली बस स्प्रे की मदद से ही जो है ना क्लीन कर दूँगी और वाइप कर दूँगी ये हमारा ज़्यादा जो है ना यूज़ नहीं होता अवन इसलिए इनफैक्ट मैंने तो अपनी जब से मैं आई हूँ मैंने कभी नहीं यूज़ किया ना देखा है यूज़ करते हुए ये वाला अवन ये बस चुंगे में ही आ गया था <laughs> <laughs> तो जी इसके बटन्स वगैरह सब अच्छी तरह से आपने क्लीन कर लेने हैं साइडें सिल्वर वाली थिंग्स हैंडल्स डोर बाहर का इनसाइड ये देखें जी माशाल्लाह से माशाल्लाह से ये हो गया हमारा अवन क्लीन अंदर बाहर से सारा क्लीन हो गया ठीक है जी अब बारी आती है स्टोव का ये एयर वाला हिस्सा जो होता है ऊपर जहाँ पे लाइट होती है पंखा लगा होता है हवा खिंचदा है जड़ी <laughs> इसको क्लीन करेंगे और ये देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा था इतना डरती था ओ माय गॉड मैं, मैं कसम मतलब बहुत अरसे बात कर रही थी ना मसरूफियत की वजह से मैं कर नहीं सकी थी ओवन को क्लीन ना क्योंकि जब मैं करती हूँ अवन और स्टोव को इकट्ठा क्लीन करती हूँ ये बेस्ट है ये भी बहुत अच्छा है फ्लैश इसको आपने एक दफ़ा दफ़ाठीशा उठीशा करना है और ये देखें जी हमारा क्लीन हो गया ये देखें जी रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ किया इसको और स्कॉलर की मदद से जिसे हम कुछ ही कहते हैं देखें सारा ऑयल जो है ना जमा हुआ था वो उतर गया ठीक है अब बारी आती है इसकी जालियाँ उतारने की नेट्स को हम उतारेंगे ठीक है और जी इनको हम रफली बस ऐसे ही ना ब्रश की मदद से मैंने तो इनको क्लीन किया था थोड़ी देर के लिए आप लोग जो है ना फ़ैरी में नॉर्मल फैरी जो हम लोग यूज़ करते हैं वॉशिंग वॉश के लिए डिशेस के ना उसको हम आ, रखेंगे ये हमारा हो गया है ऊपर से भी साफ़ अभी ये ऊपर से रहता है नीचे से साफ़ किया था अभी मैंने और ऊपर से साफ़ करूँगी और इसकी जालियाँ साफ़ करूँगी पहले तो आप देखें बस इनको आप जो है ना सोक भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए अगर आपके पास टाइम है कुकिंग में या वैसे भी अगर आपको ये यूज़ नहीं करना उसके बगैर भी आई थिंक कुकिंग हो जाती है तो आप जो है ना इसको सोक कर सकते हैं ओवर भी और वैसे भी अच्छा अगर रिज़ल्ट चाहिए मैंने तो है ना दो तीन घंटे के लिए रखा था और मैंने फिर बाद में इसको ब्रश की मदद से जो है ना क्लीन कर दिया था इसकी नेट्स को फिर बारी आती है जी ऊपर वाला पार्ट हो गया नीचे वाला हो गया अब आती है मिड में हमने जो है ना अब इसको क्लीन कर लिया उसको क्लीन कर लिया और अब हम बारी करेंगे क्लीन करेंगे स्टोव को एक्चुअल जो हमारा स्टोव है इसको क्लीन करेंगे ये देखें जी मैंने इसको स्प्रे लगा दिया अच्छा ये जो होते हैं ना इनके हिस्से चूल्हे के इसको भी मैंने जो है ना उसी में रख दिया था थोड़ी देर के लिए ना तो वो बहुत बेस्ट होके ना क्लीन होके निकल आए थे ना उससे और ये देखें जी यहाँ पे मैंने वॉश कर ली है क्लीन करके इनको ड्राई करके अच्छी तरह से मैंने इसको लगा दिया और ये हमारा अवन रेडी है <laughs> मतलब कि क्लीन हो गया है ऊपर से भी सारा अंदर से बाहर से सारा माशाल्लाह से हो गया टाइल्स भी मैंने कहा लगे तो टाइल्स को भी मारी जाओ तो फिर मैंने उसको भी कर दिया ये देखें जैसे मैंने आपको बताया इसके ऊपर के हिस्से जो थे मैंने वो भी रख दिए उसी लिक्विड में जहाँ मैंने ग्रिल्स वगैरह डाली थी ठीक है तो ये देखें जी सारा अवन जो है फुली डन है बस वो ये देखें जी माशाल्लाह से माशाल्लाह से ग्रिल्स चेक करें आप बहुत अच्छा है ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है मैं मैं तो बस यही यूज़ करती हूँ जब भी मैंने ओवन को क्लीन करना हो स्टोव को क्लीन करना हो ग्रिल्स वगैरह देखें ना आपको मैंने पहले ही शुरू में दिखाया वो कितना मतलब अच्छा था अच्छा जी ये हमने ग्रिल्स साइड्स की जो उतारी थी ना अखबारा तो चक्के उन पर ना मैं ये साइड्स की ग्रिल उतारी थी एक लगा दी दूसरी दूसरी वाली साइड पे लगा देंगे और ये हमारी लग गई ग्रिल्स फिर हम ऐड करेंगे दूसरी ग्रिल्स ठीक है जी सारी इसी तरह हमने ट्रेज रख देनी है ग्रिल्स लगा देनी है और हमारा अवन माशाल्लाह से तैयार है आपने इसको वाइप करके करना है ठीक है मैंने वाइप किए बगैर ही ऐसे ही चढ़ा दिया आपको लग रहा होगा कि गंदी नहीं है नहीं ये गंदी नहीं है वाइप नहीं हुई भी वाटर था ये देखें जी माशाल्लाह से अवन चेक करें आप माशाल्लाह से सुगड़ बच्ची हो मैं भाई <laughs> जब सर पे पड़ती है ना भाई सब सारे काम करने पड़ते हैं तो ये देखें ये भी हो गया ठीक है ये जैसे मैंने आपको बताया था मैंने उसी लिक्विड में डाल दिया था और मैंने इनको जो है ना रफली बस वाटर से वाटर से जो है रिंस किया है और वॉश करके इसको मैंने वाइप कर दिया और जी ये अब मैं उधर उसके हिस्सों में लगा दूंगी और ये देखें जी हमारा स्टोव भी तैयार है अगर आप लोगों के पास लिक्विड बचा हुआ है ना तो ये जो चूल्हे के ऊपर वाले हिस्से हैं ना जिस पर हम लोग मतलब बर्तन वगैरह रखते हैं उसको भी आप लोग जो है ना ऐड कर उम्मीद करती हूँ आपको मेरा अवन किचन क्लीनर जो है वो पसंद आया होगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दें इजाज़त में आऊँगी इन नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह अलाफि